प्लेन हवा में उड़ने वाले वाहन हैं जो इंजन से शक्ति प्राप्त करते हैं। वे दुनिया भर में लोगों और माल को ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्लेन कैसे उड़ते हैं, यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे मूल रूप से दो बलों, उठाने और ड्रैग के संतुलन द्वारा समझाया जा सकता है। उठना वह बल है जो प्लेन को हवा में ऊपर उठाता है। उठाने का बल तब उत्पन्न होता है जब हवा प्लेन के पंखों से ऊपर और नीचे बहती है। पंखों की ऊपरी सतह की तुलना में निचली सतह अधिक घुमावदार होती है। इससे हवा ऊपरी सतह की तुलना में निचली सतह से तेजी से बहती है। इस गति के अंतर के कारण निचली सतह पर एक उच्च वायुमंडलीय दबाव बनता है, जबकि ऊपरी सतह पर एक निम्न वायुमंडलीय दबाव बनता है। इस दबाव के अंतर के कारण एक उठाने वाला बल उत्पन्न होता है जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। ड्रैग वह बल है जो प्लेन को हवा में आगे बढ़ने से रोकता है। ड्रैग तब उत्पन्न होता है जब हवा प्लेन के शरीर से टकराती है। हवा के अणुओं के साथ प्लेन के शरीर के संपर्क से घर्षण होता है, जिससे ड्रैग बल उत्पन्न होता है। प्लेन को उड़ने के लिए उठाने और ड्रैग के बीच एक संतुलन होना चाहिए। यदि उठाने वाला बल ड्रैग बल से अधिक है तो प्लेन ऊपर की ओर उठेगा। यदि उठाने वाला बल ड्रैग बल से कम है तो प्लेन नीचे की ओर गिरेगा। यदि उठाने और ड्रैग के बीच संतुलन है तो प्लेन एक समान गति से आगे बढ़ेगा। प्लेन की उड़ान को नियंत्रित करने के लिए पायलट प्लेन के पंखों और टेल की स्थिति को बदलते हैं। पंखों की स्थिति को बदलकर पायलट उठाने वाले बल की दिशा को बदल सकते हैं। टेल की स्थिति को बदलकर पायलट प्लेन की दिशा को बदल सकते हैं। प्लेन की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए पायलट इंजन के प्रदर्शन को बदलते हैं। इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाकर पायलट उठाने वाले बल को बढ़ा सकते हैं और प्लेन को ऊपर की ओर धकेल सकते हैं। इंजन के प्रदर्शन को कम करके पायलट उठाने वाले बल को कम कर सकते हैं और प्लेन को नीचे की ओर गिरा सकते हैं। प्लेन की गति को नियंत्रित करने के लिए पायलट पंखों की स्थिति को बदलते हैं। पंखों की स्थिति को बदलकर पायलट उठाने वाले बल को बदल सकते हैं। उठाने वाले बल में वृद्धि से प्लेन की गति बढ़ती है, जबकि उठाने वाले बल में कमी से प्लेन की गति कम होती है। प्लेन का झुकाव को नियंत्रित करने के लिए पायलट टेल की स्थिति को बदलते हैं। टेल की स्थिति को बदलकर पायलट प्लेन के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बदल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में परिवर्तन से प्लेन का झुकाव होता है। प्लेन के चक्कर लगाने के लिए पायलट प्लेन की गति और झुकाव को नियंत्रित करते हैं। प्लेन की गति बढ़ाकर और झुकाव को बढ़ाकर पायलट प्लेन को एक सर्कल में घुमा सकते हैं। प्लेन का झुकाव को नियंत्रित करने के लिए पायलट टेल की स्थिति को बदलते हैं। टेल की स्थिति को बदलकर पायलट प्लेन के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बदल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में परिवर्तन से प्लेन का झुकाव होता है। प्लेन के चक्कर लगाने के लिए पायलट प्लेन की गति और झुकाव को नियंत्रित करते हैं। प्लेन की गति बढ़ाकर और झुकाव को बढ़ाकर पायलट प्लेन को एक सर्कल में घुमा सकते हैं।